चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। कुदरत की बेरुखी के चलते इस साल प्रमुख फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिससे खरीफ फसलों के उत्पादन में गिरावट आई है। कृषि चीजों की कीमतें कृषि वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करती हैं। आवक में वृद्धि हुई तो कीमत में कमी, यह बाजार का आदर्श वाक्य है। जलवायु परिवर्तन ने इस साल मिर्च उत्पादन को प्रभावित किया है, जिसके कारण उत्पादन में गिरावट आई है। और नंदुरबार कृषि बाजार समिति, जिसे मिर्च का मुख्य बाजार माना जाता है, इस बाजार में प्रतिदिन 300 क्विंटल लाल मिर्च की आवक पहुंचती है, जिसका दर 4 से 5 हजार रुपए क्विंटल है। यह दर पिछले साल की तुलना में दोगुनी तो हो गई है, लेकिन उत्पादन में गिरावट के कारण किसानों को अपेक्षित उपज नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों का कहना है कि दामों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन फिर भी मुनाफा नहीं होगा क्योंकि उत्पादन में कमी आई है। लाल मिर्च का सीजन अपने अंतिम चरण में है, वहीं कारोबारियों का कहना है कि निकट भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 2500 हेक्टेयर में मिर्च की खेती की जाती है। जून के महीने में बोए जाते हैं मिर्च के बीज। हरी मिर्च रोपण के बाद 3 से 4 महीने में पैदा होती है। हरी मिर्च का उत्पादन दिसंबर तक होता है, जिसके बाद 1 महीने के भीतर लाल मिर्च का उत्पादन होता है। लाल मिर्च जब पेड़ पर ही लाल हो जाती है तो उसकी छटाई शुरू हो जाती है। कटाई आम तौर पर जनवरी के अंत में शुरू होती है। उसके बाद मिर्च को सुखा के लाल मिर्च बनाया जाता है, लेकिन इस साल तापमान में तेज गिरावट का असर उत्पादन पर पड़ा है। नंदुरबार बाजार समिति को सीजन की शुरुआत में लाल मिर्च की बड़ी आवक मिली थी, जिसके बाद कीमतें गिरी थी। शुरुआत में दर 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में गिरावट शुरू होते ही कीमतों में तेजी आने लगी, इसलिए लाल मिर्च की कीमत अब 4 से 5 हजार रुपए तक पहुंच गई है। नंदुरबार बाजार समिति में मिर्च की आवक जिले से ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों से भी होती है, लेकिन इस साल स्थानीय स्तर पर मिर्च की आवक सीजन की शुरुआत से ही थी, लेकिन यह आवक कायम नहीं हो पाई है। मांग बढ़ी है और दूसरी ओर आवक में गिरावट आई है। नतीजतन मिर्च की कीमत 2 महीने में 1800 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गई थी, जो कि अब 5000 रुपए हो गई है। इसलिए उत्पादन में गिरावट के बावजूद बढ़ती दरों से किसानों को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।